नमस्कार। आज हम भागलपुर के सुंदरबन में हैं, जो भागलपुर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है और काफ़ी बड़ा जंगलों जैसा एरिया है। और इस सुंदरबन में ही गरुड़ों के पुनर्वास उत्थान के लिए एक छोटा सा केंद्र बना है, जहाँ पे बीमार और रुग्ण अवस्था में लाए गए गरुड़ों की देखभाल की जाती है। तो चलिए आज आपको भी दिखाते हैं सुंदरबन। सुंदरबन भागलपुर के बीचों बीच बिल्कुल जंगल जैसा एक ऐसा स्थान जहाँ पे चारों ओर हरियाली, यहाँ जहाँ जिधर भी आप देख पाएं सिर्फ पेड़ हरियाली ही दिखाई देती है, जिसे स्थानीय भाषा में लोग गरुड़ के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में आपको ये बता दूं कि इसकी अभी आप पूरे विश्व में इसकी आबादी, ये एक केज बना है जिसके अंदर कुछ गरुड़ रेस्क्यू कर रखे गए हैं जो बीमार हैं। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये काफी बड़े पक्षी हैं और इसकी आबादी लगभग पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी है। भारत और कंबोडिया दो ही ऐसे देश हैं जहां पे इसकी कुछ आबादी बची है। जैसा 2016 से कंबोडिया में इसकी आबादी बहुत नाटकीय ढंग से कम हो रही है, बट भारत के लिए एक गर्व की बात हो सकती है कि भारत के आसाम और भागलपुर में इसकी एक अच्छी खासी आबादी है, जिसमें सिर्फ भागलपुर में 600 से 700 के करीब ये पक्षी हैं। इस पक्षी को रेड लिस्ट में डाला जा चुका है, जो कि इंडेंजर बर्ड की लिस्ट होती है। पूरी दुनिया में ये समाप्त हो गए हैं और बहुत तेज़ी से कंबोडिया से में भी समाप्त हो रहे हैं। आसाम में भी इसकी आबादी बहुत अच्छी ग्रो नहीं कर रही, बट भागलपुर की ये खुशनसीबी है कि 2006 में डिटेक्ट किए गए ये पक्षी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं और काफ़ी पक्षी यहाँ पे बच्चे घोंसले में हैं और इसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। गरुड़ के पुनर्वास और यहाँ पे जो इसकी संख्या बढ़ रही है, इसमें आप देख रहे हैं मंदार नेचर क्लब भागलपुर का नाम दिख रहा है। बढ़ने के पीछे मंदार नेचर क्लब के अरविंद मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो इस मामले में, और उन्हीं की वजह से गांव वाले और जहाँ पे आसपास में गरुड़ हैं, गांव वाले आज इतने जागरूक हो पाए कि वो भी अब इनका ख्याल रखते हैं। तो ये अरविंद मिश्रा जी की एक बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि कही जा सकती है और उनका योगदान कहा जा सकता है कि गरुड़ को आज अगर पहचान मिली है भागलपुर में, तो वो अरविंद मिश्रा जी का इनका बहुत बड़ा हाथ और योगदान। इन पंछियों को भागलपुर की शान कहा जाता है और भागलपुर का ये सौभाग्य है कि ये यहाँ पे हैं, पुनर्वास कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं और इनकी संख्या कॉलोनी बहुत तेज़ी से नौगछिया और भागलपुर के आसपास बढ़ रही है। ये भागलपुर और भागलपुर के लोगों के लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए। ये देख रहे हैं गरुड़ों को, सबसे आश्चर्य की बात मैं बताऊं कि मैं पिछले 11 साल से यहाँ पे हूँ और मुझे इन गरुड़ों को देखने का सौभाग्य 2021 में मिल रहा है। आ गए हैं अभी गरुड़ पुनर्वास केंद्र में, जो गरुड़ों का जो आवास है ये केज के अंदर आप देख रहे हैं, गरुड़ रेस्क्यू सेंटर। और यहाँ पे अभी 9 गरुड़ हैं
और 9 गरुड़ जो बीमार हैं और उनका इलाज करने के बाद फिर वापस इनको उनके आवास क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ पे जो इस आवास केंद्र में जो केयर टेकर हैं, जो गरुड़ की देखभाल करते हैं, अख्तर जी। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। मैं जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक थे, हाँ, सलीम मलिक, हाँ। तब वो हमारे फादर लोगों को ले गए भरतपुर। कार्य असली शिकारी तो बिहार में है, तो वो 75 रुपए महीने पे ले गए हम लोगों के फादर को। अच्छा। तो वो ले गए, पागल है, पक्षी को पकड़ के अंगूठी लगा के छोड़ देता है। जब हम लोग समझे कि भाई क्या है, तो अब हम लोगों को ये है कि कोई मारे नहीं पक्षी को, और ये बोलेगा नहीं सर, इसको अगर खाना नहीं देंगे तो किसी को कहेगा नहीं। अभी आप चाय हमको नहीं पिलाएं, बोले रे साहब आप आए चाय भी नहीं पिलाए। इसलिए मैं अपने बच्चे से ज्यादा प्यार इसको, पहले इसको खिला देते हैं उसके बाद मैं खाता हूँ। जो पक्षी के पैरों में, जो बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि पक्षी के पैरों में जो रिंग है, वो रिंग जैसे कि आपने कहा कि जापान से आते हैं। हाँ, जापान से। रिंग के अंदर में आपने बताया कि 5 से 7 लाख रुपए का एक ट्रांसमीटर रहता है। वो ट्रांसमीटर जो पक्षी के पैरों में लगाया जाता है, पैर में यहाँ लगाया जाता है। अच्छा, पे। अच्छा। ताकि उड़े और इतना वायर रहता है, ताकि इसलिए लगाया जाता है कि हम जो पक्षी को लगा रहे हैं, हमारे पक्षी कौन देश खा रहा है। अच्छा। जो प्रवासी पक्षी को हम लोग लगाते हैं। अच्छा अच्छा। कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, जो पक्षी जिसे खा गए, तो उसे पता चलेगा। जैसे हम लोग कॉमन करीन पे लगाए, तो मैसल पे लगाए तो यहाँ छोड़ देगा, वो ट्रांसमीटर बताते रहेगा कहाँ कहाँ ये जा रहा है। तो इसलिए लास्ट पॉइंट हुआ, हाँ, जहाँ गिरा उस देश को कहीं आप काउंटिंग करता है कि, तो काउंटिंग कहें मछली, कौन सी मछली, कोनो मछली दीजिए, या मरा हुआ जानवर का भी गोश्त खाता है, सांप कैसो पोजन वाला हो खा जाएगा। सांप नहीं चढ़ता है, नहीं। अच्छा। जिंदा सांप को ये मार देता है, फिर निकल लेता है। अच्छा। कैसे पोजन वाला ये सांप खा लेता है, तो उसके अंदर में इतना शक्ति है कि वो डाइजेस्ट कर दे। हाँ, वो उसका ऐसा एसिड है इसके अंदर में, आंत के अंदर, जो इसको गला देता है। अच्छा। ये पूरे एशिया में दो ही जगह मिलता है, एक कम्बोडिया, पूरे एशिया में एक कम्बोडिया, एक भारत। भारत में दो जगह, एक आसाम, एक नौगछिया कदवा द्वारा, जो नौगछिया कदवा के वाहन कहते हैं ये लोग, हम लोग इसको ढेंक बोलते हैं, ढेंक बोलते हैं, इसको चनियारी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, पहले जो था गरुड़ का ऐसा मुड़ा हुआ जो जो डीप सोच आता था उसको, नहीं नहीं, यही गरुड़ है वो जो आप बोल रहे हैं, वो राजगिद्ध था, जो जटायु बोलते हैं उसको, जो सीताजी को बचाया, वो गिद्ध बल्चर है। अच्छा। जो मुर्गा के तरह वो लाल कान रहता है, मुर्गा के वैसे रहता है। अच्छा, अच्छा। तो पहले जानवरों पर वही आता था, ये मेल है जिसे चरा था, हम लोग कहते हैं बड़ा मेल है, छोटा फीमेल, जैसे 6 बर्ड्स हैं। ये तो अभी बड़ा, वो देखिए वो मेल है, नीचे। अच्छा, वाला जो है नीचे वाला, वो कैसे पता चला आपको, क्योंकि जो बड़ा है, चोंच बड़ा है, ये देखिए वो। अच्छा, जो है चोंच जिसका बड़ा है, तो जैसे वो जो चोंच बड़ा है उधर वाला, वो जो ये तीन वो दूसरी जाति, एक जाति है काला है, छोटा गरुल। अच्छा। अब चार हमारे बड़ा गरुल है, जो आज भी एक गरुल है, ये गरुल पुराना अडल्ट है, तो इसका देखते हैं सुरमा। इसको पहचानते कैसे हैं, जिसकी चोंच छोटी होती है वो फीमेल है। फीमेल नहीं, जैसे वो बड़ा छोटा का फर्क है। अच्छा अच्छा। वो जो देखते हैं बड़ा जो साइज है वो मेल है, छोटा साइज वो फीमेल है इसका। साइज पे ही है, चोंच से नहीं, बॉडी के बनावट से। पक्षी जो देखते हैं विदेशी पक्षी में मेल खूबसूरत होता है और फीमेल बदसूरत होती है। बदसूरत होती है। और बताइए अख्तर जी, यहाँ पे अभी हमारे आसपास में भागलपुर में, नौगछिया में, जो ये कदवा एरिया में जो अभी ये प्रवास कर रहे हैं, कितने गरुड़ हैं हमारे यहाँ? अबरी बार तो 180 घोसला है इसका, गरुड़ का, और 25 घोसला या 30 घोसला होगा पेंटिल का, जिसको जांगिल बोलते हैं। वो हम अकाउंटिंग नहीं आया है, लेकिन 25-30 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा पेंटिल का। अब वहाँ जो है कदवा में 4 जात का प्रजनन हो रहा है, एक छोटा गरुड़ जिसको लेसर बोलते हैं, ग्रेटर बोलते हैं, ओपन विल स्टोर और पेंटिल स्टोर। ओके। ये 4 स्टोर का वहाँ भी 6 प्रजाति यहाँ होता है, 7 स्टोर यहाँ मिलता है, लेकिन एक बाहर से आता है, 6 हमारे यहाँ प्रजनन करता है। अच्छा, अच्छा। तो अभी ये आप दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों की देखभाल कर रहे हैं यहाँ सुंदरबन में, तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर, कि घर भी जाते हैं तो एक दिन का छुट्टी, एक दिन जाने में लग जाता है, एक दिन आने में, मुश्किल से एक दिन रहते हैं सर, तुरंत फोन आ जाता है। बना है, मैं सोच रहा था ये बर्ड के लिए भी, वो भी उसी के लिए बना है। नहीं नहीं, उसमें केशवा सर, कहीं बाहर, भारत का ये 5वां हॉस्पिटल है, तो कहीं भी पकड़ाएगा बिहार में तो यहाँ आएगा, फिर हम लोग 8 दिन इलाज करके फिर गंगा जी में छोड़ते हैं। अच्छा, तो आपको जो मैं ये पहले दिखा रहा था, पहली वाली केज, वो केचुआ का कछुआ रेस्क्यू केंद्र है, और जो भी रेस्क्यू किया जाता है उनको फिर यहाँ पे लाके जो पकड़ा जाता है, स्मगलरी कर रहा था, स्मगलिंग वगैरह में जो पकड़ाते हैं कछुए, वो सब यहाँ पे आते हैं। तो अख्तर जी का कहना है कि ये भारत में 5वां हॉस्पिटल बना है बिहार का, फर्स्ट कछुओं के लिए,
और बिहार में तो शायद फर्स्ट ही है बिहार में कहीं पकड़ेगा तो यहीं आएगा कछुआ। तो आज ये सुंदर वन का हमारा टूर बहुत ही सफल रहा। प्रकृति की गोद में आज ये दुर्लभ पक्षियों के बीच हमें आने का सौभाग्य मिला। हम आज केज के अंदर हैं और अख्तर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हम लोगों को इतने नज़दीक से पक्षियों का दर्शन करने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज संडे की छुट्टी का इससे ज़्यादा आनंद और कुछ हो नहीं सकता कि जंगल में हम लोग बोन फायर। ये देखिए, इसको कहते हैं जंगल में मंगल। इसी के साथ आज का सुंदरवन यात्रा आप समाप्त करेंगे आप लोगों के लिए। तब तक हम थोड़ी सी रुको बड़ी फायर का आनंद ले लें, बोन फायर देखिए। राजीव जी हमारे मित्र जो है पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं, तो अब हम इसका थोड़ा आनंद लें और आप लोग को फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।